हाय दोस्तों, अरान एंटरटेनमेंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, एक्चुअली रिव्यू भी नहीं कह सकते, हम लोग रिएक्शन देने वाले अजय सर की मूवी दे दे प्यार दे के बारे में। और सबसे पहले रिएक्शन से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अजय सर का बर्थडे है, वो अपने 50 साल के अभी हो चुके हैं, तो मैं उनको बर्थडे की विश करना चाहता हूँ मेरे चैनल के जरिए। अगर अगर मेरा लक अच्छा हुआ, अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया, तो मैं इतना कहूँगा सर आपको बर्थडे की बहुत 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 बधाई हो, और आप ऐसे ही फिट रहे, आप ऐसे ही खुश रहे, और ऐसी ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्में बनाते रहे और लोगों को एंटरटेन करते रहे। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपकी गोलमाल सीरीज़, और अगर जो पिछली मूवी आपने टोटल धमाल देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि हम जितने भी फैंस हैं आपके, हम सिंघम जैसे रोल आप पर ज़्यादा सूट होते हैं, लेकिन आप जो कॉमेडी की जो फिल्में कर रही है, ये भी बहुत ही अच्छी है। और गोलमाल को कौन भूल सकता है, गोलमाल की वजह से आप एक हिसाब से देखा तो बॉलीवुड में कमबैक भी किए, तो काफ़ी शानदार। ये दे दे प्यार दे भी ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं इस ट्रेलर की बात करूँ, तो इस ट्रेलर को, इस मूवी को डायरेक्ट किया है वही मेकर्स जो पंचनामा, प्यार का पंचनामा 1, प्यार का पंचनामा 2, और सोनू की ट्यूटी की स्वीटी जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। आप लोगों को पता है कि ये तीनों मूवी कितनी गजब की हिट थी, और हिट के साथ साथ इसके गाने भी काफ़ी सुपरहिट हुए थे। और जितने भी न्यू कमर्स थे, जैसे कि कार्तिक, आजकल कार्तिक आर्यन तो सबको पता है कि एक सुपरस्टार, उभरता सुपरस्टार बन चुका है, तो वो इन तीनों फिल्मों की वजह से ही बना है। अगर मैं अजय सर की इस मूवी की बात करूँ, तो इस मूवी में अजय सर के साथ हमें नज़र आते हैं तब्बू, और सबसे स्वीट और सबसे गॉर्जियस जो रकुल प्रीत है, काफ़ी क्यूट लगती है इस मूवी में। एक्चुअली वो है भी काफ़ी क्यूट, उन्हें पिछली मूवी में भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन इस मूवी में कुछ ज़्यादा अच्छी लगी। और अजय सर 50 के तो लगते ही नहीं, ऐसा लग रहा है कम से कम 30 के तो आप कह ही सकते हो। रकुल प्रीत के साथ उनकी जो जोड़ी है बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि ट्रेलर के जरिए हमें काफ़ी स्टोरी का तो अंदाज़ा हो गया है, लेकिन जिस तरह की कॉमिक टाइमिंग बताई है बहुत अच्छी लग रही है। और इस ट्रेलर में एक खास बात और है कि जावेद जाफरी जो काफ़ी सालों से बॉलीवुड से गायब थे, लेकिन अब फिलहाल वो जैसे टोटल धमाल और या फिर काफ़ी वेब सीरीज़ फाइनल कॉल और दूसरी वेब सीरीज़ में भी हमें नज़र आए थे, तो वो बॉलीवुड में अब एक देखा जाए तो वो कमबैक कर रहे हैं। और वो जिस कॉमेडी रोल, जैसे हमने सलाम नमस्ते और कमबक, इसमें उनका एक जो कॉमेडी रोल देखा था, तो इसमें भी शायद उनके वही कॉमेडी जॉनर में वो वापस आ रहे हैं। और जावेद जाफरी का पिछली मूवी से इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोल भी हमें नज़र आ रहा है, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जावेद जाफरी क्या कुछ नया लेकर आते हैं इस बार, क्योंकि उनके जो टोटल धमाल के जो सीन्स थे वो तो काफ़ी अच्छे, वो काफ़ी उस सीरीज़ के तो बहुत एक मेन कैरेक्टर है, लोगों को काफ़ी फनी भी लगते हैं। अब देखना है कि ये मूवी में क्या करते हैं। ये मूवी की स्टोरी तो आप सब लोग ट्रेलर से देख चुके हैं कि एक 50 साल के आदमी को एक अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की को बाद में पता चलता है कि उस वो एक पहले से शादीशुदा है, उसकी जो बच्चे वो उसी के एज के हैं, उस लड़की के एज के। तो फिर उसके बाद जो ड्रामा होता है, जो कितना कॉमेडी जिस हिसाब से बताया गया, ये हमें इस ट्रेलर को देखने मिलता है। और इसमें सबसे दूसरी खास बात यह है कि इसमें अजय देवगन के साथ तब्बू जो काफ़ी साल बाद एक अपोजिट में नज़र आ रहे, हालांकि गोलमाल में ये हमें साथ में नज़र आए थे, लेकिन इनका ये अपोजिट नहीं थे, ये अलग रोल में थे, लेकिन इस बार उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रहे, जो हमें बहुत ही मज़ा आएगा। हमने 90s में उनकी फिल्में देखी थी, उनके काफ़ी सॉन्ग्स भी हिट हुए थे, लेकिन अब देखना है कि ये मूवी में वो कैसा कमाल दिखाते। ट्रेलर देख के तो इतना लग रहा है कि ये श्योर शॉट 2019 की हिट मूवी साबित होने वाली। अब देखना है कि जिस हिसाब से ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्या मूवी भी उतना ही कमाल करती है, ये तो हमें मई 17 को ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो हमारे दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बेल आइकन उसे प्रेस करना। मैं मिलूंगा आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।